गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 22 मार्च 2023। हैप्पी गुड़ी पड़वा टू ऑल। आज रात को एफओएमसी रेट डिसीशंस, सो ड्यूरिंग दैट डे ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज होगा नहीं। वैसे भी अपना इंडियन मार्केट, करेंसी मार्केट बंद है। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.18, वेरी क्रूशियल। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द फेड रेट डिसीशंस। उसके बाद क्या थोड़ा बाउंस बैक करता है या नीचे की तरफ डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी कंसोलिडेटिंग, आपका पिछले दो तीन दिन में ये नीचे 40 एंड ऊपर में 75, इसके बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। सो आज ड्यूरिंग द डे कुछ एक्टिविटीज है नहीं ड्यू टू मुंबई हॉलीडे। डेट बीइंग द केस, कल थर्सडे को मॉर्निंग को एक ऊपर नीचे होने का प्रयास हो सकता है। अभी हमें देखना है कि क्या दोबारा ये 80 to 90, 83 के तरफ स्ट्रेस आउट करेगा या नीचे के तरफ 82.20 के तरफ मूव करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर कल एक करेक्शंस देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2283 एंड 1.217। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी ये 60 को रेस्पेक्ट कर रहा है कि अभी आरएसआई डेली आरएसआई 60 में मैं थोड़ा सा रेस्पेक्ट करता हूँ एंड ऑल्सो आज का एफओएमसी रेट डिसीशंस। सो एफओएमसी रेट डिसीशंस आने के बाद ऊपर की तरफ हाई ब्रेकआउट पे, डेट इज अबोव 1.2285 जीबीपी डॉलर में हेड टुवर्ड्स 1.2450, बिलो द लो इट में हेड टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड विच इज अराउंड 1.2070 की तरफ। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली आपका कल एक हल्का सा करेक्शंस देखा गया है एंड द करेक्शन का जो लोकेशन है वो देखने वाला बात है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस जोन पे ही रेस्पेक्ट कर रहा है। आज के रात के एफओएमसी रेट डिसीशंस के बाद क्या होगा, हाई के ऊपर जीबीपी आईएनआर में मूव टुवर्ड्स 102.60, बिलो द लो इट में मूव टुवर्ड्स द सेंटर बैंड दैट इज 99.30। यूरो डॉलर ये जस्ट नियर 60 पे है। आज का क्लोजिंग अगर इसके हाई के ऊपर दे देता है, दैट इज 1.0810 इसके ऊपर दे देता है, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के इट में टेस्ट टुवर्ड्स 1.10, 1.1050। यूरो आयनर कहाँ पे है, यूरो आयनर एग्जैक्टली एट 60 रेस्पेक्टिंग आरएसआई एट 60। सो इवेंट ड्रिवन है, सो मार्केट प्लेयर्स आर वेटिंग फॉर, अगर ये यूरो पॉजिटिव इवेंट होता है इन सच ए केस, यूरो डॉलर में मूव टुवर्ड्स 90.4050। डॉलर येन कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया फ्रॉम द लो, प्रीवियस लो डेट इज एट 130.53, बाउंस बैक किया एंड आज थोड़ा सा ये चॉपी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसका कारण क्या है, जब तक लो को नहीं तोड़ता है नीचे के तरफ जाने का प्रयास नहीं करेगा, व्हेयरएज एवरी ऑप्टिक रेजिस्टेंस इट मे फेस। येन आईएनआर आपका कल एक अच्छा खासा करेक्शंस देखा गया, इस करेक्शंस के बाद अबोव द प्रीवियस यानी यस्टरडेज हाई, आज या कल ये मींस
22nd और 23rd को, अगर 21st मार्च का हाई को तोड़ देता है इन सच ए केस, इट मे हेड टुवर्ड्स 64 डॉलर कैंडी। आपका सेंटर बैंड के यहाँ पे सपोर्ट करके रेस्पेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशंस और है, एंड रात को एफएमसी रेट डिसीजंस के बाद ये एक डायरेक्शंस लेगा, पॉसिबली बिलो द लो ऑफ यस्टरडे, यानी कल का जो लो है 1.3640 के नीचे, इट मे मूव लोअर टूवर्ड्स 1.35 अबव द हाई, मीन्स ऑन द हायर साइड, अगेन 1.3850 में एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। $80 आपका ये जो जोन था 0.67 एंड 0.6730 यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी भी ये जो एरिया है कन्विंसिंगली रिजेक्ट नहीं किया है, सो कन्विंसिंगली अगर रिजेक्ट करता तो शार्पली नीचे की तरफ आता, लेकिन शार्पली मूव डाउन हुआ नहीं है, रेदर ये हल्का सा नीचे आने के बाद फिर आज ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। सो हमें देखना है कि क्या आज आफ्टर द एफएमसी रेट डिसीजन ये 0.6730 को ऊपर क्लोज दे देता है, अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है देन आने वाले दिनों में 0.6850 में एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। CNH कंसोलिडेट कर रहा है 6.8750, ये आपका 13th मार्च का मदर कैंडल, उसके अंदर में ही 6 ट्रेडिंग सेशंस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, टुडे इज द 7th ट्रेडिंग सेशन। जब तक ये मदर कैंडल 13th मार्च का मदर कैंडल के आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं दे देता है, इसी के अंदर में कंसोलिडेट करने का प्रयास करेगा। यूके ऑयल अच्छा खासा बाउंस बैक गया, 20 मार्च को एक मस्त पिन बार बनाया हुआ है उसके, एंड कल उसका फॉलो थ्रू देखा गया है। अभी ये आपका 17 मार्च के हाई के ऊपर इट मे ट्रेड टुवर्ड्स 79। यूएस 10-year ट्रेजरी कंसोलिडेट कर रहा है, वेटिंग फॉर द बिग इवेंट, अभी है 3.58। सो इसको अगर नीचे जाना है तो 20 मार्च के लो के नीचे, क्योंकि ये पिन बार है, इसके लो के नीचे एक शार्प फॉल हम देख सकते हैं। क्या ये आज होगा या दोबारा ये एक 3.40 एंड 3.90 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना है। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। विशिंग ऑल वंस अगेन हैप्पी गुड़ी पड़वा, थैंक यू एंड बाय बाय।